चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खुशनसीबी का दिन है कि आज हिंदुस्तान के दो सुपरस्टार कुमार सूरज और मालती देवी के बेटे राजा का जन्मदिन है, जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। मैं इन दो महान कलाकारों से गुजारिश करूंगा कि वे वो मशहूर गीत जो आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जुबान पर गूंज रहा है इस महफिल को सुनाएं। गिव देम अ बिग हैंड। Thank you.
रहे, होठों पे सरगम सजती रहे। ठीक है, कल मेरा शो है और तुम जरूर आओगी। ओके, गुड नाइट। नमस्कार, मुझे ब्रजभूषण कहते हैं। मैं शो ऑर्गेनाइजर हूँ। आप वाकई बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू। देखिए, मैं दुनिया के हर बड़े शहर में शो ऑर्गेनाइज करता हूँ और मुझे लगता है कि आपका यह अंदाज और आपकी आवाज अगर इस मुल्क के बाहर पेश की जाए तो दुनिया पागल हो जाएगी। देखिए, आपको शो के बारे में जो भी बात करनी है वो आप मेरे पति से कीजिए। आप जैसी खूबसूरत औरत के लिए पति तो एक लाइसेंस होता होगा, और आपका ये हुस्न, आपकी ये जवानी तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए हमारा आप पर हक है। एंड गेट लॉस्ट। बस बस बस, अब बहुत हो गया बाप बेटी का प्यार। अब राजू को छोड़ने स्कूल जाना है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चल चल, अपना गिटार रख, चल उठा अपना बक्सा, आउट यू गो। जाओ ना। जाता हूँ जाता हूँ, जरा नजदीक तो आओ ना। जाओ ना। अरे बाप रे बाप। अरे यार, मैं अपनी चाबी भूल गया, मैं अभी आता हूँ, एक मिनट। डैडी डैडी डैडी, आपको भूलने की बीमारी लग चुकी है, चाबी तो ये लगी। राजू, यू आर ग्रेट, आई लव यू। चल चल गाड़ी में बैठ। ओ ओ गॉड। डैडी, आप बार बार गॉड को क्यों तकलीफ दे रहे हो? अब क्या हुआ? अरे यार, वो जो मेरी पर्सनल डायरी है ना, जिसमें मैं अपना हिसाब सब लिखता हूँ, वो यार मैं अंदर भूला है। तुझसे पकड़, एक मिनट पकड़, चल अंदर बैठ। जल्दी आना, मुझे देरी हो रही है। ओहो, यो या। अब क्या है? मॉर्निंग टेक्स्ट। तुम सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन ये मॉर्निंग टेक्स्ट नहीं भूलते। क्यों? ये मॉर्निंग टेक्स्ट नहीं है, ये मॉर्निंग टॉनिक है, जो मुझे तरोताजा और फुर्तीला बना रखता है। Oh God. अब मुझे समझ में आया कि आप हर रोज अपनी पर्सनल डायरी यहाँ क्यों भूल जाते हैं। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इन्हें तो मेरे बिना एक पल भी चैन नहीं आता। जब देखो तब कोई ना कोई बहाना करके चले आते। आती हूँ बाबा, आती हूँ। अब क्या हुआ? तुम? बाल्टी, तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी क्या? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वो थप्पड़ भूल गए? उसी थप्पड़ का कर्ज उतारने आया हूँ। तुम यहाँ से जाते हो या शोर मचाऊं? हाँ हाँ, चीखो चिल्लाओ, अपनी मदद के लिए चाहे किसी को भी पुकारो, मगर एक बात मत भूलना बाल्टी, ये कलयुग है, कलयुग। और कलयुग में किसी द्रौपदी की लाश बचाने के लिए कोई कृष्ण आसमान से उतर के नहीं आएगा, समझी? कहाँ जाओगी अभी?
स्टेशन। मैं सूरज बिला जूस किंग से बोल रही हूँ। कमीने, हुनी, हत्यारे, तूने मेरे पति की जान ली है, मैं तेरी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी। अरे मेरी जान लेने से पहले अपने बच्चे की तो जान बचा ले। हाँ, तुम्हारा बेटा राजू मेरे कब्जे में है। अगर कल अदालत में तुमने अपने पति का खून अपने सर नहीं लिया तो मैं तुम्हारे लाडले बेटे के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। अपने पति को तो खो बैठी हो, अब बच्चा भी खो बैठा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए या कैद से रिहाई। तुम्हें अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए या कैद से रिहाई। तुम्हें अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए या कैद से रिहाई। बच्चे की जिंदगी मालती देवी या कैद से। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी? जिंदगी या कैद से रिहाई। मालती देवी, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा जैसा, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा जैसा। मैंने ही अपने पति का कत्ल किया है, मैंने ही अपने पति का कत्ल किया है, मैंने ही अपने पति का कत्ल किया है। मैं हत्यारिन हूँ, मैं खूनी हूँ, मुझे मेरे जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। मुल्जिमा मालती देवी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लिहाजा ये अदालत उसे कुमार सूरज का कातिल करार देते हुए ताजिरात हिंद दफा 302 के तहत 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। बेटा आ जाएगी मम्मी, आ जा, आ जा, मेरे साथ, आ जा, चल बे, आ, मेरे साथ। मालती, ये छोकरा तेरे से मिलने की बहुत जिद कर रहा है, कहता है तेरा बेटा है। राजू, राजू, मम्मी तू कैसी है? मम्मी, राजू मेरा बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। ये तुम्हें क्या हो गया है मम्मी? मैं तुम्हारा राजू हूँ, पापा तो मुझे छोड़ के चले गए, पालने वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं चाचा के पास भी गया था लेकिन चाची ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। हत्यारे के बेटे के लिए
कहा ना, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? सुनीता ले जाओ इसे यहाँ से। जब वो तुझे नहीं जानती तो उसे क्यों तंग कर रहा है? चल यहाँ से बाहर। अब दोबारा यहाँ कभी मत आना। मुझे मत मेरे वो मैं चल। अब काहे को रोती है? छोकरा जब मिलने आया तो उसे पहचाने से इनकार कर दिया। अरे तू कैसी माँ है? तेरे सीने में दिल है या पत्थर? नहीं शब्बो नहीं, मैं नहीं चाहती कि दुनिया इस मासूम के माथे पर लिखते कि वो एक हत्यारी, एक खूनी माँ का बेटा है। लोग उसे नफरत की निगाहों से देखे, वो सारी उम्र दुनिया वालों के सामने अपना सर न उठा पाए। लेकिन वो इतनी बड़ी दुनिया में किसके सहारे जिएगा? जिंदगी की ठोकरें सबको जीना सिखा देती है, वो भी जीना सीख जाएगा, माँ उसकी रक्षा करेगी। चाय मंगाई यार। ए छोकरा, दो चाय ले गया। मैं साहब। सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, एक दो तीन। क्यों बेटा? फिर से बजाइए, मैं नाचूंगा। तो हो जाओ शुरू। बढ़िया नाच रहा है, बहुत बढ़िया नाच रहा है। अबे ओ राजू के बच्चे, चल इधर चल। अबे ओ, शादी में आया क्या? नहीं साहब। तो चल फिर काम कर, काम चाय दे उधर। अभी लाया साहब। कमाल हो गया। लाला जल्दी तो चाय दे। लो सेठ, तुम्हारी चाय आ गई। अरे भाई ठुमके तो बहुत अच्छे लगा लेते हो, किधर से सीखे? लगता है किसी कोठे वाले की नाजायज औलाद है। मैंने गाली दी, मेरी माँ को गाली दी। अरे तू जला दिया। देखो सर, ये बदतमीज। क्यों क्यों बे, मैं तुझे यहाँ काम करने लाया था या भानगिरी करने के लिए? सेठ ने मेरी माँ को गाली दी। गाली दी? अबे ग्राहकों के साथ ऐसा सुलूक करते हैं? अबे मुंह क्या देखता है, ला इसका थैला। ले पकड़ अपना थैला और निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, फट यहाँ से, चल। फिकर मत कर बेटे, फिकर मत कर। ये दुनिया वाले तो सिर्फ कोठों के खनकते घुंघरों पर पैसा लुटाना जानते हैं। ये क्या जाने कि कलाकार क्या होता है? जिन लोगों ने आज तेरे थिरकते हुए कदमों को ठोकर मारी है, कल वही लोग तेरे नाचते हुए कदमों में दौलत का ढेर लगाएंगे। आओ बच्चों, आओ आओ। अरे राधा बेटी, दो रोटियां और सेक ले फटाफट। अरे वाह, ये नया मेहमान कौन है? इसका नाम राजा है। क्या डांस करता है बाप, तू देखेगी तो देखती चला जाएगी। हाँ हाँ, देखूंगी देखूंगी। अभी तुम लोग बहुत थके हुए लगते हो, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। फटाफट आओ बच्चों। राजा बेटा,
अब तू इस दुनिया में अकेला नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब हम सिर्फ जिंदगी काटेंगे नहीं बल्कि जिएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे और गाएंगे। अरे तो फिर मैं जरूर नाचूंगा और गाऊंगा और मैं बजाऊंगा फटाफट। मेरे प्यारे भाइयों और आप सबकी भाभियों, मेरी आवाज सुनो फटाफट। आपके लकी नियर आप सबको मुबारक हो। गीत संगीत की इस महफिल में आप मिलेंगे ऐसे कलाकार से, ऐसे डांसर से जो संगीत का सौदागर है, बैजू बावरा ही नहीं बल्कि झनक 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 पायलबाजी भी है। अरे पहले यूँ तो बताओ लड़का है कि लड़की? शराफत मत छोड़ना वरना यहाँ पब्लिक पुलिस आ जाएगी। अरे ये कोई मौसमी नारंगी फटाकड़ी या जंगल पी नहीं है, धूम धड़ाका है, धूम धड़ाका। इसे देखकर आपको थरथराहट हो जाएगी। अरे वो तो कल का मर्त और आज का अर्जुन है। उसका नाम तो बताओ। मेरे यार का नाम है राजा राजा राजा। दोस्तों सुनोगे मेरी आवाज तो घुंघरू इधर फेंको। और दे दो मेरे हाथों में साज। ये मेरा दावा है दोस्तों। नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम। नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम। नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम। याद करेगा मुझको सारा जहां, साथ मेरे झूमेगा हर दिल जवां। याद करेगा मुझको सारा जहां, यारो मैं हूं ऐसा डांसर। नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम। नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम। महजबीनों का मैं हूँ दीवाना हसीनों का। हेलो बाबा फटाफट। मेरे चर्चे हैं घर में गलियों में, चंचल हंसी महजबीनों का मैं हूँ दीवाना हसीनों का। महफिल में जो आता हूँ मैं, नगमे नए गाता हूँ मैं। महफिल में जो आता हूँ मैं, नगमे नए गाता हूँ मैं। तो गाना दूजा कहीं भी कोई ऐसा डांसर। नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम। नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम। मेरे
मेरे कदमों में मस्ती भरी मेरे नगमों में। देखो देखो फटाफट के जवाब मेरे होठों पे गीतों के मोती हर बीट है मेरे कदमों में मस्ती भरी मेरे नगमों में। गाँव जिसे वो गीत है जीवन मेरा संगीत है जिसका दीवाना जमाना मैं हूँ ऐसा डांसर। नाचूंगा तो नाचोगे तुम गाऊंगा तो गाओगे तुम। नाचूंगा तो नाचोगे तुम गाऊंगा तो गाओगे तुम। याद करेगा मुझको सारा जहां यार मैं हूँ ऐसा डांसर। नाचूंगा तो नाचोगे तुम गाऊंगा तो गाओगे तुम। नाचूंगा तो नाचोगे तुम गाऊंगा तो गाओगे तुम। नाचूंगा तो नाचोगे तुम गाऊंगा तो। जी भाई शो खत्म हो गया तो मेरा पैसा। अरे काय का पैसा, अपन ने तुम्हें सड़क से उठाकर स्टेज तक पहुंचा दिया और तुम मैन हमसे पैसा मांगता है। जाजी भाई तुमने ही तो बोला था अपन को शो खत्म होने के 200 रुपए मिलेगा। क्या बोला रे? ए, 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 पाली पाली तू गप बैठ, काय को भिखारी लोग के मुंह लगता है। एड़े ये रहा तेरा रोकड़ा, ये उठाओ यहाँ से और फुट। देख जाजी भाई अपन भीख नहीं मांगता, ये पैसा उठा और हाथ पे रख। क्या बोला रे? उठा पैसा और गोल हो जा यहां से। जाऊंगा तो मैं बाद में, पहले तुझसे ये पैसे तो उठवा लूं। तू जॉर्जी दादा से पैसे उठवाएगा? सुना? देखा? जॉर्जी दादा से पैसे उठवाएगा। तो मालूम है हम लोगों का आज प्रोग्राम था। क्यों? प्रोग्राम वालों ने सोने की जगह नहीं दी, जो घर चले आए। छोड़ यार, क्या पता था सर टकराना, चल कहीं और चलते। अरे लेकिन अरे बाप रे, जा जा चला जा। अरे दरवाजा खुल गया, चल 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 ना यार, चल चल यार चल। अरे राजा ये क्या हुआ, इतनी मार कैसे लग गई? आ इधर राजा, कितनी चोट लग गई है रे। अरे तू तो बहुत जख्मी हो गया है। अरे भाई कुछ नहीं हुआ। किसी लड़ाई झगड़ा करके आया है? मामूली सी चोट है, इतना शोर मत मचा। कितना खून बह रहा है, ठहर मैं पट्टी बांध देती हूँ। इतनी फिक्र क्यों करती है मेरी तू? तो और कौन करेगा तेरी फिक्र?
जब देखो दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा, भगवान जाने कौन सा प्रोग्राम है जिसमें मारा मारी होती है। ए दत्तू समझा दे इसको, ज्यादा बकबक करेगी तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। बस यही एक धमकी रह गई है तेरे पास। पर ये तो बता हुआ क्या था? अरे हुआ बहुत कुछ हुआ, एक के तो दो दांत टूट गए, किस बच गए कल तोड़ूंगा। एक की तो फसली की हड्डी टूट गई, एक तो मैंने ऐसा धोया थोबड़े का डबल रोटी हो गया फटाफट। ये तो थोड़ा बच गया, मैं खाना बचाने के लिए। शुक्रिया। लेकिन झगड़ा हुआ क्यों? झगड़ा वही पैसे का लफड़ा और क्या। अरे बाबा तुम लोग अंधों के शहर में कब तक आना बेचोगे? क्या मतलब? ठहरो दिखाती हूँ, ये देखो। क्या है? ये पढ़ो, द ग्रेट वेस्टर्न डांस कॉम्पिटिशन, पहला इनाम जीतने वाले को 21,000 रुपए। हाँ अरे तब तो लॉटरी लग गई फटाफट। अरे राजा तुझे कौन हराएगा यार, जीत ले कंपटीशन और बन जा स्टार फटाफट। क्यों राजा, अरे रोज की मगजमारी तो निकल जाएगी और अपनी कड़की भी दूर हो जाएगी फटाफट। सुनिए हम अंदर आ सकते हैं। आ गए तुम लोग, बड़ी देर कर दी, चले आओ। अरे बाप, अपने को लड़की समझ रहे हो? ये तो आँख का आउट फोकस और दिल का ठरकी लगता है मुझको। आओ ना। हम आ गए। कैसी हो? ये मुझे कहाँ से आ गई? चोटियों की जगह पर क्या जी? हम डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। किस्सा? कैसा किस्सा, कैसी कहानी? यहाँ कोई कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं है राजा। हाँ। मुझे लगता है ये 3-in-1 है। क्या बात कर रहा है? क्या है, दिखता कम है, सुनता कम है, हकलाता है लेकिन बोलता ज्यादा है, जबान का कमजोर है। कमजोर? मेरे ऑफिस में आके मुझे कामचोर बोल रहे हो? साला कामचोरी नहीं माँ बोल रहे। हम आपके नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। ऐसा फिर बोको ना, मेरा मतलब बोलो। नाम जी लिखिए, राजा। आजा आजा। हाँ राजा। और बाजा तुम तंसु घोटाले वाले के साथ घोटाला कर रहे हो? नहीं हम घोटाला नहीं कर रहे, हम सच कह रहे। ये नाश्ता है और मैं बजाता हूँ। क्या बजाते हो? रम। धर्म? धर्म तो नेता लोग बजाते हैं, हम तो रम। रम कॉलेज? जीवन कॉलेज। ये कहाँ आया? हाँ आया आया। जीवन कॉलेज? ये कौन सा लेज है? सर इस कॉलेज की क्लास फुटपाथ पर लगते हैं, जहाँ बिना फीस की पढ़ाई होती है। लड़ाई कढ़ाई? हाँ पढ़ाई। हे भगवान, फिर गु 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 सर जाके लो बास मार रहे। ग्रुप कौन सा है? हम ग्रुप बाजी पर विश्वास नहीं रखते जानी। कॉलेज नहीं, ग्रुप नहीं, तुम लोग कंपटीशन में एंट्री नहीं कर सकते। अरे वाह, यहाँ भी रिजर्वेशन, यहाँ भी आरक्षण। देखो इसमें से फॉर्म निकालो और राजा का नाम डालो फटाफट। सफा चट मेरी मुझे नहीं दिख रही क्या? कहाँ है ये? घर में भूल आए हो ना? नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं सर मेरी बात सुनो सर। नहीं नहीं सर मेरी बात सुनो। नहीं अरे राजा ये तो 4-in-1 है, टेढ़ा है। येड़ा पेड़ा? हाँ टेढ़ा। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आदमी और नाम है तनसुख, इनके जैसे लुले लंगड़े बहरे अंधे कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो हमारे जैसे नौजवान स्टेज पर क्यों नहीं चढ़ सकते? क्यों नहीं चढ़ सकते? लड़ो लेकिन बाहर जाके लड़ो, इधर नहीं। राजा मैं यार 2 मिनट भी रुका तो इनके जैसा 4-in-1 हो जाऊंगा। देखो हम जाते हैं। अरे क्यों फिर आते हैं? स्टेशन पर भीख मांगने को भेजूंगा, छोड़ मुझे राजा। हेलो आ रही हो तुम? अरे हटाओ
अब आपके सामने आ रही है इस कंपटीशन की वो आखिरी जोड़ी, मिस्टर मोहनीश और मिस प्रिया। जीतने का गौरव हासिल कर रही हैं मिस प्रिया और मिस्टर थरो। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, इनाम का आखिरी दावेदार अभी बाकी है। कौन है आप भाई? वैसे तो लोग हमें संगीत का जादूगर कहते हैं, नाम है राजा। अगर आपको अपने डांस पर इतना ही नाज है तो एक मौका हमें भी दिया जाए अपनी किस्मत आजमाने का। सॉरी यंग मैन, हमारे लिस्ट में दूर दूर तक तुम्हारा कहीं नाम नहीं। बिल्कुल नहीं है, वैसे भी अमीरों की लिस्ट में हम गरीबों का नाम कहां होता है। मोनीश, आई चैलेंज यू। ठीक है, जूता कितना भी चमकीला हो पैर के नीचे ही रहता है, सर का ताज कभी नहीं बन सकता। ऑर्गेनाइजर साहब, इन्हें भी अपने दिल के अरमान पूरे करने का मौका दिया जाए।
प्यार जगाने की, ये उम्र है दिल को चुराने की, ये उम्र है धूम मचाने की, ये उम्र है नाच निकालने की, ये उम्र है धूम मचाने की, ये उम्र है नाच निकालने की। इस उम्र में दो दिल मिलते हैं, इस उम्र में गुलशन खिलते हैं, ये उम्र शमा परवानों की दीवानों की मस्तानों की, दीवानों की मस्तानों की, जवानी हम जवानों की, जवानों कि नहीं बाबा। कौन है बे? बिंदास राजा फटाफट। इधर है तुम फटाकड़ा। ये राजा का घर है क्या? हाँ, ये राजा है। जी, लेकिन आप? मेरा नाम पेस्टन जी सौरभ जी बाटली बॉय। बाटली बॉय? मैं आर्टिस्टों को नचाता हूँ। अच्छा, आप सप्लायर है? ये डांसिंग स्टार है। हाँ। अरे नहीं यार, मैं तो शो का ऑर्गेनाइजर हूँ। मेरा डांसिंग स्टार तो माधुरी दीक्षित है। माधुरी, माधुरी दीक्षित। एक दो तीन चार पाँच कप चाय ला, फटाफट फटाफट। अब बैठिए, प्लीज बैठिए ना, बैठिए कंफर्टेबल। राजा, कंपटीशन में तूने मोनिस को हराया रे, मेरे को बहुत खुशी हुआ। मैं भी थिएटर के अंदर था। हाँ। पब्लिक जब तेरे को ताली देता था ना, मैं उछल के नीचे गिरता था, बाजू वाला उठाता था, उछल के नीचे गिरता था, बाजू वाला उठाता था। एक बार पीछे वाले ने खड़ा किया ना, उसके बाद मैं नहीं गिरा। बहुत भाव काटा पीछे वाला? नहीं नहीं, आगे वाला। अरे नहीं यार, मोनिस की बात करता हूँ मैं तुम्हारे साथ एक शो करना चाहता हूँ। शो? बोल कितना लेगा रोकड़ा? रोकड़ा रोकड़ा? अरे चाय जल्दी लाना, दूध डाला नहीं भूलना। हमारे यहाँ का दूध प्योर होता है। भैया नहीं आता ना तो फिर कौन आता है? खुद भैंस आती है। भैंस की कसम, नहीं उनकी माँ की कसम। मारती हूँ। देखिए साहब जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप बताइए आप क्या देंगे? क्या देंगे? देख रहा मैं एक सौ का 10,000 रुपया दे सकता है। 10,000? सर नहीं जमता है तो तेरे को 15,000 रुपया देगा। 15,000? ये भी नहीं जमता है? देख रहा 30,000 से पैसा भी ज्यादा नहीं दे सकता है। जमता है तो हाँ बोल, नहीं तो ना बोल। 30,000? चाय कैंसल। रबड़ी लाओ, रबड़ी। हाँ। हमें मंजूर है। अरे हाँ बोल देना फटाफट। ठीक है बाबा जी। एक बात पूछूं बाबा जी? पूछने दिख रहा। ये पिस्तन जी सौरभ जी समझ गया, ये बाटली बॉय क्या है? दिख रहा आजकल ट्यूब के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो मैं बाटली के अंदर पैदा हुआ था इसलिए मेरे को बाटली बॉय बोलता है। अच्छा हुआ पाइप में पैदा नहीं हुए। नॉटी बॉय। मैं नॉटी बॉय नहीं, मम्मी बॉय हूँ। बाटली बॉय, मम्मी बॉय, गुड बॉय। तुम कुछ भी कहो मोनिश, राजा ने हमसे बेहतर डांस किया है और पहले इनाम का सच्चा हकदार भी वही है। मैं उस कॉम्पिटिशन को कॉम्पिटिशन नहीं मानता जिसमे कोई भी ग्यारह ग्यारह सड़क छाप आकर इनाम का दावेदार बन जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कलाकार कलाकार होता है, सड़क छाप या महल छाप नहीं होता। और तुम जैसे फनकार के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कल कला मंदिर में राजा का शो है, हम साथ में देखने चलेंगे।
गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मिस्टर जोशी, राजा के शो का टिकट आ गया? सॉरी मैडम, शो हाउसफुल है, सारे टिकट बिक चुके हैं। मैंने अपना आदमी बॉटली बॉय के पास भेजा था, उसने बड़ी बदतमीजी से मना कर दिया। ये बात है, आप थिएटर पर फोन लगाइए, मैं राजा से खुद बात करूंगी। हेलो राजा है? राजा, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कहने की जरूरत नहीं, आपकी मधुर आवाज से ही हम आपको पहचान गए। शुक्रिया जनाब, आपने हमारा इनाम तो छीन लिया, अब शो भी नहीं दिखाओगे? भाई ये गलतफहमी आपको कहाँ से हो गई? आप जैसे कदरदान के बिना हमारा शो तो अधूरा ही रह जाएगा। क्या इसीलिए मेरे आदमी को टिकट नहीं दिया गया? हुजूर, दिल की महफिल में आने के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शो में खास मेहमान बनकर आओ। मैंने तुम्हारे लिए वीआईपी कार्ड्स भिजवा दिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक यू मोनिश, वी आर स्पेशली इनवाइटेड फॉर द शो, हम साथ में चलेंगे। ओके बाय। बाय मोनिश। प्रिया का राजा की तरफ इतना झुकाव, उसकी इतनी तारीफ, ये अच्छे आसार नहीं है मोनिश। लेकिन एक बात जान लो, अगर कल राजा स्टार डांसर बन गया तो उसका सबसे ज्यादा असर तुम्हारे कैरियर पर पड़ेगा। मां, ये मेरा पहला शो है, काश तू मेरे साथ होती। मुझे आशीर्वाद दे मां कि मैं तेरे नक्शे कदम पर चलकर कामयाबी की उन बुलंदियों को छू सकूं जिसका सपना पापा और आपकी आंखों ने देखा था। अरे राजा, मैं थिएटर पे बस्ती वालों के साथ आगे निकल रहा हूँ, बाहर टैक्सी खड़ी है, तू कला मंदिर पहुंच जाना फटाफट। भाई कौन हो आप लोग? राजा, तो तेरा नाम राजा है? हाँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? मुझे जाने दो, मुझे शो पे जाना है। ये जग्या, हाँ सुना, तो ये शो पे जाएगा। शो पे? ए चपड़ गंजू, अगर जान प्यारी है तो फूट जाते। अरे ए, 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 टैक्सी चला गया। अब मैं कैसे जाऊंगा? नहीं, लेकिन मुझे जाना है। अरे तू कहां जाएगा? राजा, आज बजा दूंगा तेरा बाजा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मारो साले को। अपनी जगह पर मरी गए। अरे कितना टाइम लगेगा? बैठो तुम लोग, थोड़ी देर में ये प्रोग्राम चालू होएगा। हा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 ह
मर गया, फंस गया, कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसा करो, तुम डांस करना शुरू कर दो, हम पीछे से गाना चालू कर देता है। इससे अच्छा मैं पब्लिक को समझाता हूँ। तड़पता है ये दिल दिन
से मिलने को तड़पता है, हर पल धड़कन कुछ कहती है, एक बेचैनी सी रहती है, एक बेचैनी सी रहती है। एक लड़की ने मेरा दिल छीना, उसने जीना। डॉक्टर को लेकर क्यों नहीं आया अभी तक? आता ही होगा। उफ, कितनी बेरहमी से मारा है उन जालिमों ने। सत्यानाश हो जाए उनका। तू बताता क्यों नहीं? कौन थे वो लोग? अंदर आ जाइए। हेलो राजा। हेलो।
आपको? मुझे प्रिया कहते हैं। कांग्रेचुलेशंस राजा, शो की कामयाबी मुबारक हो। थैंक यू। अरे इतना सारा खून, तुम्हें अचानक स्टेज पर क्या हुआ था? क्या हुआ? आपके दोस्तों के हाथों के पत्थर खत्म हो गए क्या, जो आप ये फूल बरसाने चली आई? क्या मतलब? मतलब आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। आप यही देखने आई है ना कि आपके दोस्तों के दिए हुए जख्म कितने गहरे हैं। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ और तुम मुझे जलील कर रहे हो। अरे नहीं बाबा, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मेरे अंदर जमाने से लड़ने का नया हौसला पैदा कर दिया। मैं तो तुम्हें हीरो समझ रही थी, लेकिन तुम हीरो नहीं, जीरो हो, जीरो, ए बिग जीरो। अरे सुनो, अरे ये तो वही बेबी पिंकी है, मेरी बचपन की साथी। कमाल, मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस मिल गया, अब तो जीने का मजा आ जाएगा। हैप्पी बर्थडे माय हीरो राजू। थैंक यू। बताओ तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ? मिठाई, बिस्कुट, तो जरूर मेरे लिए कोई चॉकलेट लाई होगी। ये देख, ये क्या? फूल। इस फूल को तुम मुझे देकर मुझे फूल बनाना चाहती हो, ये भी कोई गिफ्ट है? मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से फूल लाए और तुमने फेंक दिया। तुम हीरो नहीं हो, जीरो हो, जीरो, अ बिग जीरो। क्या हुआ राजा, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उस दिन तुम सब मिलकर एक कबूतर के पर नहीं काट सके। नाम के शहर हो तुम सब, काम तो है मच्छरों की तरह। और मैं पूछता हूँ, वो स्टेज तक पहुंचा कैसे वो राजा का बच्चा? आप उनने बहुत कोशिश की मगर। हाँ, अच्छी कोशिश की तुमने। निकल जाओ यहां से, get out of here। राजा ने सही कहा था, तुमने उस पर हमला करने के लिए अपने पालतू कुत्ते भेजे थे। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया हरकत फिर कर सकते हो। प्रिया देखो मुझे। शट अप। राजा को नीचा दिखाना था तो उससे तुम बेहतर परफॉर्मेंस करके दुनिया वालों की नजरों में हीरो बन जाते, लेकिन तुम इतने नीचे गिर गए। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। आई हेट यू, आई हेट यू। प्रिया, मैं तो तुम्हें कल ही पहचान गया था पिंकी, तुमने मुझे आज पहचाना। कैसे? सिर्फ पिंकी हीरो को जीरो बना सकती है, अ बिग जीरो। राजू, आई लव यू। राजू, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आपने मेरे दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास की शोज क्यों कैंसिल कर दिए? कैंसिल क्यों कर दिए? मिस्टर मोनीश, ये तो कुदरत का दस्तूर है कि जब डाल पर नए पत्ते आ जाते हैं तो पुरानों को जाना ही पड़ता है। क्या मतलब? मतलब साफ है मिस्टर मोनीश कि राजा भी अब स्टार हो गया है। आई सी। लेकिन आप ये मत भूलिए कि मेरा इस कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर मोनीश, वो कॉन्ट्रैक्ट हमने ही बनाया था और उसे तोड़ने का भी हमें पूरा अधिकार है। तुम लोगों को मैं कोर्ट में घसीट सकता हूँ,
और प्रिया शायद ये तुम भूल चुकी हो कि मैं वो सीढ़ी हूं जिसपे चढ़कर तुम कामयाबी के इस ऊंचाई तक पहुंची हो, और मैं अपने साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे डैडी से मिलना चाहता हूं मैं। डैडी इस वक्त किसी से नहीं मिलेंगे, तुम जा सकते हो। ठीक है, देख लूंगा। हाय प्रिया, ये भी कोई वक्त है आने का? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नाराज क्यों होती हो? अरे ये क्या मैं, ये क्या मैं, ये क्या अम्मा? अरे प्रिया, तुम मुझे गाली दे रहे हो? अरे अम्मा गाली नहीं, ये क्या मैं, ये क्या मैं, ये क्या अम्मा, यानी कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओह तो ये बात है, तो फिर मैं भी तुम्हें ये कहिए माँ, ये कहिए माँ, ये कहिए माँ करती हूँ। क्या हुआ मैम साहब? राजा मैं बहुत थक गई हूँ। अरे तो क्या हुआ राजा? बोलो। तुम मुझे कितना प्यार करते हो बताऊं? बस बस बस, सारी का सारा आज ही निकालोगे कि आगे के लिए भी कुछ बचा के रखोगे? प्यार बचाने के लिए नहीं होता, लुटाने के लिए होता है। चलो उठो, मुझे बाइक स्टार्ट करनी है। नहीं उठूंगी। नहीं उठोगे? नहीं नहीं नहीं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? प्यार के इंजन का टेक ऑफ हो गया, अब चले। हम यही चलते रहे और जिंदगी का ये सफर इसी तरह कट जाए। तुम मेरे पहलू में रहो तो ये जिंदगी क्या चीज है। अरे मैं तो मौत से भी ऐसी बातें नहीं करते। बात की थी ना, वो राजा आपसे मिलने आया है। हेलो सर, वेलकम वेलकम यंग मैन। डैडी मैंने आपसे कहा था ना, राजा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। आज से ये सिर्फ हमारी कंपनी के लिए शो करेगा और सिर्फ मेरे साथ। दैट्स गुड न्यूज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। हम जिससे मिलते हैं उससे हाथ नहीं मिलाते, दिल मिलाते। माँ जाना, मुझे मैं राजू
राजू, कौन राजू? तुम्हारा राजू माँ, तुम्हारा राजू। मैं तुम्हें नहीं पहचानती। माँ रुक जाओ माँ। सपने एक रंग हो दुनिया बट जाए हम संग हो अब ना कभी होंगे जुदा वादा हमें है निभाना की आग को जिसे मैंने वक्त की राख में दबा दिया था आज तूने उसे फिर भड़का दिया। माँ तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती है? ऐसी कौन सी गलती हुई मुझसे जिसकी सजा तो मुझे दे रही है? मैं नहीं चाहती मुझे हत्यारिन का कलंक तेरे उजले माथे का दाग बन जाए। दाग? मैं तेरे दामन से डैडी के खून के कलंक को मिटा के रहूंगा। बता माँ, बता माँ, वो कौन है जिसने तुझे विधवा बना? बोल माँ, तू बोलती क्यों नहीं? मैं उसे जमीन से उखाड़ के रख दूंगा, मैं उसका खून पी जाऊंगा। माँ नहीं बेटे, अगर तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है तो ये सवाल आइंदा कभी मत करना। खा मेरी कसम। माँ बेटे, तू मेरी बात नहीं मानेगा? ठीक है माँ, चलो। ऐसे क्या देख रहा है रे? किसी ने सच ही कहा, मां की गोद में ही स्वर्ग होता है। मां कितना अच्छा गाना बज रहा है ना? हाँ बेटी, सुबह हो गई? हाँ बेटी। माँ तू रात भर जागती रही? बेटी, ममता की प्यासी आंखें तुझे देखने के लिए 14 साल से तरस रही थी। अभी तो 14 घंटे भी नहीं हुए, फिर इन आंखों की प्यास कैसे बुझेगी? लेकिन माँ अपनी सेहत का तो कुछ? तेरी नींद से बढ़कर तो नहीं।
ये क्या हुआ? इतना खून, ये कीड़ा, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना दर्द सहती रही? ये दर्द भी तेरी नींद से बढ़कर तो नहीं है बेटा। देख के लहू अपनी ममता का, तूने मुझको पाला, हर पल मेरे दुख पे अपने सुख का चल डाल। कभी मंदिर कभी पूजा, कभी पूजा का वरदान लगे, कभी मंदिर कभी पूजा का वरदान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। कभी तुलसी की रामायण कभी गीता का ज्ञान लगे, कभी तुलसी की रामायण कभी गीता का ज्ञान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। सुख की बहती गंगा कभी करुणा की पहचान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। स्नेह भरी मुस्कान लगे, कभी पेड़ की ठंडी छाया कभी स्नेह भरी मुस्कान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। कभी मंदिर कभी पूजा, कभी पूजा का वरदान मेरी माँ मुझको भगवान लगे, कभी तुलसी की रामायण कभी गीता का ज्ञान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। सर जोशी,
राजा, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, बल्कि अपने हाथों से अपनी सुनहरी तकदीर लिख ली है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोशी, इन्हें एडवांस दे दिया जाए। राइट सर। राजा साहब, थैंक यू। और हाँ, कल से पब्लिसिटी शुरू हो जानी चाहिए। राजा, अगले महीने से हम हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में तुम्हारा शो पेश करेंगे। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस राजा। थैंक यू। बधाई हो राजा साहब। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। आई विल सी यू लेटर ऑन। बाय बाय। ओ डैडी, यू आर रियली ग्रेट। राजू, तू सबके लिए कुछ ना कुछ लाया है। मेरी राधा के लिए कुछ नहीं। मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, ये लौट कर आ गया है, यही बहुत कुछ है मेरे लिए। माँ, ये तो इस घर की मालकिन है। मालकिन भला इसे कैसे भूल सकता हूँ, इस घर में रहना है या नहीं मुझे। बता पगली, तेरे लिए क्या लाया? मुझे क्या पता। ये देख। अरे वाह, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। क्या जरूरत थी, मन ही मन तो लट्टू फूट रहे की कभी ने पहन कर देखूं ताकि लोग मुझे देखें। चल इसे पकड़ और माँ को पहन कर दिखा। जा, नहीं जाती। नहीं जाती? हाँ तो ठीक है, चल हट। पगली कहीं की। राधा, मैं आज तक चांदनी की तलाश में भटकता रहा, लेकिन आज पता चला चांद तो मेरे घर में मौजूद है। राधा, ओ राधा, आई। जी माँ जी। देखा राजू, कैसी चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी राधा, कहीं किसी की नजर न लग जाए। कागज के बेजान टुकड़े को फाड़कर तुम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। कल तक इसके साथ चिपकी रहती थी, राजा के मिलते ही दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। क्यों इसके जले पर नमक छिड़कता है यार? स्टार जब आसमान की बुलंदी से टूटकर जमीन पर गिरता है तो अपनी चमक ही नहीं बल्कि अपना वजूद भी खो बैठता है। अगर एक लफ्ज भी और निकाला तो जान से मार डालूंगा। मैं कल भी स्टार था, मैं आज भी स्टार हूं। मैं स्टार हूं, समझे? अरे बेशर्मो, मेरा मजाक उड़ाते हो। मैं बुझता हुआ दिया ही सही, लेकिन याद रखो, एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगाने के लिए काफी होती है। Thank you.
छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं राजा, छोड़ना नहीं। दोनों डांसर आपस में लपड़ा कर रहे हैं और गोली मारे मेरे को फटाफट। मेरी हक, मेरी हक, मेरी आई। भागो। दद्दू तेरे सितारे खराब है। दद्दू भाग भाग। बहुत चलाता था, डिचकियाओ डिचकियाओ गोली, अब इसे दिखा दो सलाखों वाली, खचकियाओ खचकियाओ खोली। हवलदार ले चले इसे। चलो इधर नहीं, अपनी गाड़ी उधर है, चल चल चल। आंखें हैं तेरी झील सी या कोई मैखाना, देखूं तो नशा और भी बढ़ता ही चला जाए। ये प्यार का नशा है, इकरार का नशा है, मुझको तो हर घड़ी तेरी दीदार का नशा है। सावन बरसे सावन प्यासा प्यासा मन तरसे।
से सावन प्यासा प्यासा मन में तरसे दिम 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 सावन बरसे बरसे सावन प्यासा प्यासा मन में तरसे बरसे सावन प्यासा प्यासा मन तरसे नमस्ते मालकिन। नमस्ते माँ, मेरी ख्वाहिश है इस बंगले में सबसे पहले कदम तुम रखो। सुखी रहो बेटी। मुबारक हो माँ जी। मुबारक हो माँ जी। दत्तो, थोड़ी देर में अपने बस्ती वाले और थिएटर के मेहमान आने वाले, तू और राधा उनकी स्वागत की तैयारी करना। मैं तब तक माँ को अपना बंगला दिखा देता हूँ। हाँ माँ जी, आप अपना बंगला देख लीजिए फटाफट। ये डाइनिंग हॉल है, अरे इधर आ माँ। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती है जहाँ चार बड़े बड़े बेडरूम्स हैं और एक बहुत बड़ा रूफ गार्डन है। इसके अंदर तेरे लिए मैंने बहुत प्यारा सा झूला लगवाया हुआ है। इधर आओ, देख माँ, ये हमारा ड्राइंग रूम है। देख कितना आलीशान मकान बनाया तेरे बेटे ने। और इधर इधर माँ, इधर, ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ सब मीटिंगें होंगी। और इधर माँ, इधर इधर माँ, अभी तक तूने देखा ही क्या है, इधर। वाह राजू वाह, यू आर ग्रेट। अब बस भी करो, नाश्ता वाश्ता करोगे या दिन भर बेटे को नचाते ही रहोगे? अरे देखना मालती, हमारा राजू एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। यस डैड। इतनी दौलत, इतनी शोहरत कमाएगा कि दुनिया की सारी खुशियां खरीद कर हमारे कदमों में डाल देगा। उसका एक शानदार बंगला होगा। पर पापा, मैं एक डांसिंग हॉल भी बनवाऊंगा। यस यस, व्हाई नॉट। बस बस बस, सब कुछ तो होगा उस बंगले में, लेकिन एक चीज तो तुम लोग भूल ही गए। क्या? मेरा पूजा का कमरा। अरे ये तो मैं भूल ही गया। राजू बेटे। यस सर। तेरे बंगले में कुछ भी नहीं होगा तो चलेगा, मगर तेरी मम्मी के लिए एक पूजा का कमरा जरूर बनाना। माँ, ए माँ, अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई तू? कुछ कमी है इस बंगले में? नहीं रे, सब कुछ तो है यहाँ। इस उम्र में मुझे और क्या चाहिए? नहीं माँ, एक कमी अभी भी है। अब क्या है? तू आ मेरे साथ, ये देख। राजू, मेरे बेटे। अरे अरे माँ, प्रिया आ गई, रिहर्सल का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। ठीक है माँ, ओके माँ। क्यों जोशी, यूरोप के प्रोग्राम का क्या हुआ?
सर, लंदन, पेरिस, रोम और यूरोप के तमाम बड़े शहरों में राजा और प्रिया के शोज कंफर्म हो चुके हैं। लेकिन सर, थिएटर की बुकिंग और पब्लिसिटी के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। मार्केट से फाइनेंस लेना होगा। बिजनेस भी एक जुआ है जोशी। किसी के आगे हाथ फैलाने से तो यही अच्छा है कि मैं अपना बंगला और सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दूं। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सर, आपके दिमाग की भी दाद देनी होगी। आप इन्वेस्ट लाखों रुपयों में करेंगे और मुनाफा लाखों डॉलर्स में कमाएंगे सर। इसे कहते हैं बिजनेस जोशी। द शो मस्ट गो ऑन। ये तो मुझे कहां ले आई हो? जन्नत में। लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चीते जी स्वर्ग ले आई। और मैडम, रिहर्सल पे कौन जाएगा? बहुत हो चुकी रिहर्सल। आज हम प्यार करेंगे। अरे बाप रे बाप। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुमसे दूर भाग रहा हूँ, वरना शो का क्या होगा? कैंसिल हो जाने दो। अरे अरे पगली, लाखों का नुकसान हो जाएगा बाबा। हो जाने दो। अरे बाबा, तेरे सर से ये प्यार कबूत कब उतरेगा? जब तुम पेड़ से नीचे उतरोगे। ऊपर क्या कर रहे हो? रोमांसिंग विद द ट्री। रोमांसिंग विद द ट्री, नॉटी बॉय। नीचे उतरो, मजाक छोड़ो। मैंने कहा ना, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा। अरे अरे अरे, छोड़ छोड़ छोड़। अरे मर जाओ, अरे मर जाओ। अरे अरे बाबा, क्या कर रही हो? लोग देख लेंगे। देखने दो, ये पल जो बीत रहे हैं ना, वो वापस लौट कर नहीं आएंगे। मैं तुम्हारी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। आज तुम्हें ये हो क्या गया? प्रेम रोग। I love you, प्रिया। Me too. I love you. तो राधा, न जाने कहाँ चले गए सब लोग। रामो, हे रामो। जी मालिक। माँ जी कहाँ? अपने कमरे में रामायण का पाठ कर रही हैं। और दत्तू कहाँ गया? और राधा क्यों नहीं नजर आ रही? सब वो दोनों तो शाम को चले गए। चले गए? कहाँ गए? बस्ती, अपने घर। अपने घर? दो थाले क्यों लाई हो तुम? क्या करूं भैया, आदत जो पड़ गई है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये घर तो सूना सूना सा लग रहा है। ले जा रहा था, मुझसे खाया नहीं जाएगा, तू खा ले। नहीं भैया, मुझे भी भूख नहीं है। जानता हूँ रे पगली, मैं क्या करूं? जाते जाते मैं जो हमारी भूख भी चूरा कर लेगा। दत्तो, अजू, तू और इतनी रात गए यहाँ? क्यों, इतनी रात को यहाँ आने के लिए अब तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? अरे कैसी बात कर रहे तू? राधा राधा, सुना तुमने? अरे पगले, ये तेरा अपना घर है। अपना घर? मैं भी यही समझता था कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब अपना है। लेकिन आज तुमने एहसास दिला दिया है कि मैं तुम लोगों के लिए पराया हो गया। मैं इस घर से क्या गया, तुम लोगों के दिल से निकल गया। कैसी बातें कर रहे पगले तू? देख, मुझे गलत मत समझना। अरे हम तो झोपड़ी में रहने वाले हैं, तेरे महल में नींद नहीं आएगी। वाह, तुझे नींद नहीं आएगी उस महल में? तुझे नींद नहीं आएगी और मैं आराम की नींद सो पाऊंगा? देख दत्तू, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, बहुत ताटक हो गया, अब चल मेरे साथ चल। अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा जू। अरे आज तू स्टार बन गया, समाज में तेरी इज्जत है, सोसाइटी में तेरी पोजीशन है। कहा था तेरा ये समाज, ये सोसाइटी, जब मंगलू काका मुझे फुटपाथ से उठाकर ले आए थे? शहर की सड़कों पर ठोकरे खा खा कर हम लोग पड़े हुए, और आज जब मैं स्टार बन गया हूँ तो तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। फासले पड़ जाने से दिल का प्यार कम नहीं हो जाता राजू? ये कुदरत का दस्तूर है मेरे यार, फूल और कांटों का साथ डाली तक ही होता है। गुलदान में तो सिर्फ फूल ही सजाए जाते, और मुसाफिर हमको
किसी ना किसी मोड़ पर पिछड़ना ही पड़ता है मेरे यार। अरे अरे अब तू बड़ा आदमी बन गया है, मेरे बंगले में बड़े बड़े लोग तुझे मिलने आएंगे, हमें वहां देखकर क्या कहेंगे, तेरे तरह की बातें होगी, तू परेशान होगा मेरे यार। और कब तक हमारा बोझ उठाते रहेगा तू, किसी ना किसी दिन मजबूर होकर गुस्से से तू कहेगा तू तू और राधा कहीं और इंतजाम कर ले, निकल जाए यहां से। दत्तू 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 मेरे दोस्त मेरे यार, ये तूने कैसे सोच लिया, कैसे सोच लिया, कैसे सोच लिया। दौलत मेरे पास आई और दिल तेरा छोटा हो गया रे। दौलत से इंसान अपना लिबास बदल सकता, अपना रुतबा बदल सकता, लेकिन अपनी आत्मा नहीं बदल सकता। और मैं कैसे भूल जाऊं कि इसी घर में राधा ने एक छोटे से बच्चे को अपने हाथों से रोटियां खिलाई थी, और कैसे भूल जाओ कि हमने अपने आंसू भी बांट बांट कर पिए थे, चिलचिलाती धूप में एक दूसरे का साया बनकर चलते थे, मेरे होठों में तेरी हंसी थी, फिर स्टार बनने का ख्वाब मेरी आंखों से ज्यादा तेरी और राधा की आंखों ने देखा था। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत ऐसी शौहरत जो मुझे मेरे अपनों से छीन ले। मैं भी जाकर बंगले को ताला लगाकर मां को लेके आता। नहीं राजू, नहीं, मुझे माफ कर दे राजू, मुझे माफ कर दे, आज तेरे थप्पड़ ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दे राजू, मुझे माफ कर दे दत्तू, माफ कर दे राजू। मैं कहती थी ना भैया दुनिया बदल जाएगी, मगर हमारा राजू नहीं बदलेगा। चलो राजू हम सब अपने नए घर चलते हैं। हाँ हाँ फटाफट। मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। आज की ताजा खबर? अरे अखबार में तो यही खबर छपी है कि आज हमारी बिटिया का जन्मदिन है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू डैडी। इस बार मेरे बर्थडे पे आप क्या तोहफा दे रहे हैं? इस बार का तोहफा बड़ा धमाकेदार, बड़ा जानदार और बहुत ही शानदार होगा। रियली? ऐसा कौन सा तोहफा है? और इस तोहफे का नाम है राजा। राजा? हाँ। ओह डैडी यू आर रियली ग्रेट। पसंद आया? ओह डैडी। अजी तुम होंठों से ना कहो तो क्या हुआ, हम तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी आंखों में पढ़ लेते हैं, आखिर हम भी तो तुम्हारे बाप हैं। डैडी। अच्छा बेटी सुनो, राजा से कहना कि आज रात की पार्टी में अपनी मम्मी को जरूर ले आए, हम तुम्हारी शादी की बात पक्की करना चाहते हैं। मान गए सर। क्या हुआ? देख ली तुम्हारी घुड़सवारी, अब चलो। अरे एक मिनट, एक और राउंड ले ले। नथिंग डूइंग, चलो। अरे कहाँ जा रही हो? अरे अरे आओ ना बताती हूँ। कहाँ? अरे बाबू कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? पहले ये बताओ बात क्या है? आज मेरा बर्थडे है। सुबह से 6 बार सुन चुका हूँ और 6 बार तुम्हें मुबारकबाद दे चुका हूँ। पूरी बात तो सुनो, आज मेरे डैडी ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। तो इसमें कौन सी नई बात है, हर बाप अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई तोहफा देता ही है। लेकिन ये तोहफा अनमोल है। अच्छा क्या है वो? तुम राजा, डैडी हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन बिना मुझसे पूछे उन्होंने ये फैसला कैसे कर लिया? क्या मतलब? देखो प्रिया, कई दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। यह सच है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर इंसान की चाहत पूरी नहीं होती। मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। क्या? और मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। मैं अपनी माँ के फैसले के सामने मजबूर हूँ। क्या तुमने माजी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? सब कुछ बताया, लेकिन माँ उस लड़की को वचन दे चुकी है। और तुमने जो वचन मुझे दिया है उसका क्या होगा? राजा मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी मानो तो इस प्यार को एक भयानक ख्वाब समझ कर भूल जाओ। राजा तुम्हारा प्यार मुझे जिंदगी ना दे सका तो क्या हुआ, मौत तो दे सकता है। लोग प्यार में जान देने की कसमें खाते हैं,
लेकिन मैं आज प्यार में चांद देकर दिखा दूंगी। अरे 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 क्या कर रही हो? अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे ऐसा मजाक कभी मत करना राजा। ए, ये कहिए हमें, ये कहिए हमें, ये कहिए माँ। I love you, darling. I love you. I love you. आज शाम की पार्टी में डैडी ने तुम्हें और माजी को बुलाया है। तो ठीक है, मैं अपनी मम्मी को सब कुछ बता दूंगा और उन्हें जरूर पार्टी में लेकर आऊंगा। अब चलें, चलें। काम। क्यों जी? कैसी लगती हूँ मैं? पसंद आई दुल्हन? मुस्कुराते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अब तो बहुत जल्द हमारे फेरे होने वाले हैं जी। क्यों, अकेले में बात करते हुए शर्म आती है क्या? तुम क्या बोलोगे? तुम तो गूंगे हो गूंगे। अच्छा, अरे तो बात यहाँ तक पहुँच गई फटाफट। आजकल तस्वीर से बातें करने लगी मेरी बहना। इसमें धत की क्या बात है? तेरी शादी तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात और है कि शादी के बाद हर बहना अपने भाई के घर से विदा होती है, लेकिन तेरा ये बेचारा भाई तेरी शादी के बाद इस घर से विदा होगा। भैया अभी तो पट ब्याह चट मंगनी। नहीं 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 नहीं, चट मंगनी पट ब्याह। आज तेरा ये भैया माजी से बात करके ही रहेगा। मुझे नहीं करनी शादी, जाओ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ माजी को। करनी है ना? देखा, शादी की बात सुनते ही कैसी शर्मा गई मेरी बहना। अरे अबे सुपरमैन की तरह कहाँ उड़ा जा रहा है फटाफट। तू आज मेरे पांव जमीन पर नहीं है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या कहते हो? आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज माजी से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? एक्चुअली मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ माजी से। तू भी कुछ कहना चाहता है? ए बताना, बता। पहले तू बता, पहले तू बता, पहले तू बता, बता फटाफट, तू बता। अरे किस बात पर बहस हो रही है? माँ माँ माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ माजी, इसकी बात सुनने लायक है, जरूर सुनिए। माँ मैं ये कहना चाहता हूँ, अब देखो इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं और नौकर भी तो हैं, फिर भी तुम्हें काम करना पड़ता है, करना पड़ता है ना? नहीं रे, मुझे कौन काम करने देता है, सारा कुछ तो राधा ही संभाल लेती है। हाँ, राधा के होते हुए माजी को काम करने की क्या जरूरत है? आहा, क्या जरूरत है? अरे भाई, माजी के साथ मंदिर जाने के लिए, उनके हाथ पांव दबाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। कितना मना करती हूँ उसे, राधा फिर भी नहीं मानती। मेरे पांव दबाए बिना उसे नींद ही नहीं आती। लेकिन माँ, राधा कब तक इस घर में रहेगी? एक ना एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई उपाय नहीं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे फटाफट। वो कैसे? मेरा मतलब है कि राधा की शादी भी हो जाए और वो इस घर से भी ना जाए। ये कैसी बातें कर रहे तुम लोग, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। माँ जी, हालांकि हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, वो अपनी शादी की बात करना चाहता है आपसे। ओह, तो इतना घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत है? मैं बता दूँ कौन है वो? हाँ माँ, मैं प्रिया की बात कर रहा हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या, प्रिया से शादी? हाँ माजी, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, दोनों डांस पार्टनर थे, अब तो लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, बहुत अच्छी जमी की जोड़ी फटाफट। तत्तू, तेरी आंखों में आंसू। ये तो खुशी के आंसू है माजी। माँ, आज प्रिया का बर्थडे है और हमें वहां जाना है। प्रिया के डैडी तुमसे मिलकर हमारी शादी की बात पक्की करना चाहते हैं। अरे राधा। अरे रे, क्या हुआ बेटी? घुस गया ना कप का टुकड़ा पाँव में। शुक्र है भगवान का कि जख्म ज्यादा खैर नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द? जख्म खाने वाले दर्द की परवाह नहीं करते राजू। हैप्पी बर्थडे प्रिया, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हेलो राजा साहब, ये मेरी माँ है। नमस्ते। नमस्ते मिस्टर व्यास। हाय राजा। हाय
Many happy returns of the day. Thank you. जीती रहो बेटी, ये लो. और ये लो. Thank you. My pleasure. तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? वो वहाँ किसी से बात कर रहे हैं. माँ, मिस्टर जोशी. नमस्ते. नमस्ते. आइए मैं आपको और मेहमानों से मिलवाता हूँ. चलिए. आइए. आप हैं मिसेस खन्ना. नमस्ते. आप मिस्टर खन्ना. हेलो राजा. हेलो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं. ब्रिज भूषण. अरे हाँ. तेरे पति का कातिल तेरे सामने खड़ा है, आज सच्चाई से पर्दा उठा दे. नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, वरना. नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को राज कभी नहीं बताऊंगी. कभी नहीं, कभी नहीं. माँ, अरे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा. क्या हुआ? कुछ नहीं. आओ तुम्हें प्रिया के डैडी से मिलाता हूँ. आओ आओ माँ. सर, मेरी माँ से मिलिए. हेलो. ये हैं प्रिया के डैडी, राय बहादुर ब्रिजभूषण शर्मा. ये है मेरी माँ. अच्छा, आप दोनों बातें कीजिए, मैं भी आया. अच्छा राय साहब, हम चलते हैं. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया. आइए माँ को बाहर तो छोड़ देते. थैंक यू फॉर कमिंग. मिस्टर राय बहादुर, मुझे आपसे कुछ कहना है. मालती देवी, जिंदगी हमें इस मोड़ पर लाकर दोबारा मिलाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था. उम्मीद है कि 14 साल के लंबे अरसे ने उस दर्दनाक हादसे का दर्द शायद भुला दिया होगा. 14 साल से जो दर्द मेरे सीने में सुलगता रहा, उस दर्द की आग भला कैसे कम हो सकती राय बहादुर? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, उस आग को हमेशा के लिए बुझा देना होगा. वक्ति जुनून में आकर जो पाप मैं कर बैठा था, उस पाप को मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं. वो देखिए, राजा और प्रिया एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं. हमें अपने बच्चों की भलाई के लिए अपने अतीत को भूल जाना होगा. दौलत दुनिया का हर गम खरीद सकती है. मैं उन 14 सालों के एक एक पल, एक एक लम्हे की कीमत अदा कर सकता हूं. बहुत बड़े सौदागर बन गए हो राय बहादुर. बोलो, एक सुहागन से उसके मां का सिंदूर छीनने की क्या कीमत चुकाओगे? एक मासूम बच्चे को उसकी मां से जुदा करने की क्या कीमत अदा करोगे? एक हरे भरे घर को उजाड़ने की क्या कीमत चुकाओगे? एक बेगुनाह को मुजरिम बनाने की क्या कीमत दोगे तुम? बोलो बोलो राय बहादुर, बोलते क्यों नहीं? है कोई जवाब तुम्हारे पास? देखो, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करोगी तो इन बच्चों का भविष्य अंधेरे में खो जाएगा. मालती देवी, ये लीजिए, ब्लैंक चेक. जो जी चाहे भर लेना. मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूं, अपनी पूरी दौलत कुर्बान कर सकता हूं. राय बहादुर, दुनिया का कोई भी बैंक मेरे आंसुओं की कीमत अदा नहीं कर सकता. तुम मुझसे मेरा अतीत नहीं, मेरा भविष्य खरीदना चाहते हो. जानते हो, अगर राजा को पता चल जाए कि तुम उसके बाप के कातिल हो और तुमने कभी उसकी माँ की इज्जत लूटने की कोशिश की थी, तो वो इस भरी महफिल में तुम्हारी लाश गिरा देगा और हकीकत जानकर तुम्हारी बेटी शर्म से जहर खाकर मर जाएगी. मालती देवी, ये वक्त इन बातों का नहीं है. प्रिया जब बहू बनकर आपके घर आएगी तो ये सारी दौलत, ये सारी जायदाद मेरे बाद राजा की होगी. बहुत बोल चुके राय बहादुर, बहुत बोल चुके. इसी तरह उस दिन जेल की सलाखों के पीछे तुम बोल रहे थे और मैं सुन रही थी. आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे. नहीं राय बहादुर, नहीं, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता. भाइयों, ये समझते हैं कि इनकी दौलत की चमक से अंधी होकर मैं अपने राजा को इनके हाथ बेच दूंगी. क्या बात है माँ, क्या हुआ? ये देख बेटा, तुम्हारे होने वाले ससुर ने मुझे ये ब्लैंक चेक दिया है और ये चाहते हैं कि मैं इस ब्लैंक चेक पर
तुम्हारी कीमत भर दूं और प्रिया से शादी के बाद हमेशा के लिए तू घर जामाई बनकर इनके तलवे चाटता रहे और मैं तुम्हें भूल जाऊं। ये क्या कह रही हैं आप? ये चेक तो मैं आपको कुछ सुनना नहीं चाहती। राजा, तू क्या यहाँ मुझे बेइज्जत करवाने लाया है? अरे मैं क्या, दुनिया की कोई माँ सर के बदले भी अपने औलाद नहीं बेचेगी। सर, आपने तो अपने ही हाथों से खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये दौलत की नुमाइश आपको शोभा नहीं देती। You have committed a blunder, sir. ये आपने ठीक नहीं किया राय साहब। दहदी, आपने ये क्या किया? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने गिर जाएंगे। बेटी, इसने भारी महफिल में मुझे मेरे मेहमानों के सामने जलील किया है, मेरी बेटी की मोहब्बत और मेरी दौलत का मजाक उड़ाया है। मक्कार, दफा हो जाए यहाँ से, जलील और बहादुर। तूने मेरी माँ का अपमान किया, उसे मक्कार और झूठा कहा। जो हाथ मेरी माँ पर उठा है तेरे जिस्म से हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। राजा, छोड़ दे, तुझे मेरी कसम। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। भाई महफिल में तूने मेरी माँ की बेइज्जती की है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। राय बहादुर, ये लो अपनी रिश्वत, चल राजा। राय बहादुर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। कहीं नहीं जाएगी। मैं बहुत सुन चुका और बहुत सह चुका, और आज के बाद तुम चार दीवारों में सड़ती रहे। चल अंदर, चल, get in and stay there. सर, सर ये क्या हो गया? राजा ने अगर हमारे शोज कैंसिल कर दिए तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर, करोड़ों का। हम लोग फुटपाथ पे आ जाएंगे। जोशी, बरसों पहले जो ज्वालामुखी मेरे सीने में दफन हो चुका था, मालती ने उसे फिर भड़का दिया है। लेकिन मैं इस आग में अकेला नहीं जलूंगा, अपने साथ मालती और राजा की खुशियों को भी जलाकर राख कर दूंगा। मेरी जमानत देने का बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका यह एहसान मैं नहीं। नहीं मनीष, मैंने तुम जैसे हीरे को कांच का टुकड़ा समझ के ठुकरा दिया था, लेकिन अब मुझे हकीकत मालूम हो गई है। राय साहब, जब तक राजा से मैं अपने सारे हिसाब ना चुका लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपने पति की याद में एक नारी निकेतन की स्थापना करना चाहती हूँ, जहां अपाहिज, बेबस, बेसहारा और विधवा बहनों को सहारा मिल सके, उन्हें कुछ काम सिखाया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये तो बहुत ही नेक ख्याल है बहन जी, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, मैं जानती हूँ। वो फंड इकट्ठा करने के लिए मैं एक चैरिटी शो करना चाहती हूँ, और वो शो मेरा बेटा राजा करेगा। इस पवित्र काम में तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, आप शो की तैयारी कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। अच्छा, नमस्कार। धन्यवाद। नहीं दादी, नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन मोनिश के साथ नहीं ना चुकी। तुम चाहती हो कि राजा की कामयाबी मेरी कंपनी की बुनियादें हिला दे? तुम और मोनिश मिलकर राजा के शो को खाक में मिला सकते हो। मैं शो नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरी नाक को हाँ में नहीं बदल सकते। मुझे तुम्हारी नाक को हाँ में बदलना आता है। हेलो। हेलो राजा, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हेलो प्रिया, तुम कहाँ से बोल रही हो? प्रिया तुम कैसी हो? प्रिया मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे कुछ खास बात करनी है। आज शाम 5 बजे रॉयल गार्डन में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम आओगी ना प्लीज? हाँ मैं जरूर आऊंगा, लेकिन बात क्या है? मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकती, मुझ पर पहरे लगे हैं। प्रिया। राजा, प्रिया। राजा, तुम आ गए राजा। प्रिया, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। हाँ राजा, अब हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं करना। राजा, नहीं जाओ इसे। राजा, छोड़ दो मुझे। राजा। आई, आई, आई क्या? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तो बोल, मनीष के साथ शादी करेगी कि नहीं? मैं मर जाऊंगी लेकिन मनीष के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ,
हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर तूने हाँ नहीं की तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब बोल, शादी करेगी मरीज के साथ या नहीं? मैं नहीं करूंगी। नहीं करेगी? इस साले को इतने शब्दों की साला यही मर जाए। शादी करूंगी। शादी करेगी तू? शादी करेगी? हाँ मैं करूंगी। ठीक है, छोड़ दो इसे और बाहर फेंक दो। चलो। सर, राजा को छोड़ के आपने अच्छा नहीं किया। दिखाने के और चबाने के दांत अलग होते हैं जोशी। वैसे तो प्रिया को दिखाने के लिए राजा को छोड़ने के लिए कह दिया था। असल में राजा तो दुनिया को उल्टा देख रहा होगा। उल्टा? हमारी बनो कल दुल्हन बनेगी। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। देख, ये तेरी शादी का जोड़ा बड़ा प्यारा है। ये मेरी शादी का जोड़ा नहीं, ये मेरा कफन है। ले जाओ इसे, सब जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। पब्लिक बहुत शोर कर रही है, राजा अभी तक नहीं आया। आ जाएगा माँ जी, बहुत दिनों के बाद प्रिया से मिला है ना, अभी आ जाएगा। दत्तू, अगर आज शो नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, राजा अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझता है। जरूर कोई बात हुई होगी, मैंने राधा को प्रिया के पास भेजा है। राधा, तुम? शुक्र है तुमने पहचाना। तो शादी का जोड़ा पहनने से पहले कम से कम राजा की मोहब्बत की चिता को तो बुझाने दिया होता। आज उसका शो है और तुम जानती हो राजा तुम्हारे बिना शो नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ राधा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर, ऐसी मजबूरी क्या थी? बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? राजा की जिंदगी बचाने के लिए। क्या कह रही हो तुम? हाँ, अगर मैं डैडी की बात नहीं मानती तो वो लोग राजा को मौत की नींद सुला देते। मैं घुट घुट कर मर सकती हूँ, लेकिन राजा की मौत का कारण नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। अगर आज उसने स्टेज पर शो नहीं किया तो वो वैसे ही मर जाएगा। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है, उसकी सांसों को टूटने से बचा लो। उसके पाँव में एक बार फिर से बिजलियां भर दो। जाओ मेम साहब, जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है, जाओ। लेकिन मैं ऐसे कैसे निकलूं? आओ मैं बताती हूँ।
डांस करें डांस डांस करें डांस डांस करें डांस Hey, hey, hey.
राग में नए लाएंगे हम अकेली नहीं आई हो, राजा की मौत भी साथ लाई हो तुम। राजा घबराओ मत, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। अरे बाप रे, ऐसा क्या? तो एक काम करते, तुम दोनों को ही इस दुनिया से जुदा कर दे। क्या इस बहाने अपना पिछला हिस्सा भी ब्याज के साथ क्लियर? अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो इसे हाथ लगा के दिखाए। हेलो, एक चोरो है जो पांडव है। ये पांडव है, इसे थोड़ा मारूंगा। अरे ये पांडव तो कौरव हो गया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा कौरव। अरे इसे तो वीरगति प्राप्त हो गई। पिताश्री इसे कोल्हापुर नहीं हस्तिनापुर ले चलो, मर गया।
तूने क्या सोचा था कि अब खेल खत्म हो गया? अरे खत्म नहीं, अब तो खेल शुरू होगा। नहीं डैडी। अरे मैं कहता हूँ हट जाओ, हट जाओ। ये तूने क्या किया ला? ये तूने क्या किया? तुम्हें अपने बाजुओं पे बहुत नाज है ना? कमांडोस! आज हमारे डांसर हीरो को ऐसा नाच नचाओ कि जिंदगी भर अपने हाथ पैर थिरकाना भूल जाए। राधव, ये तूने क्या किया राधव? टाइम बहुत कम है, इसे हॉस्पिटल ले चलो। चलो इन जालिमों के जुल्म का जवाब आज तुझे देना ही होगा। तू जानना चाहता था ना कि कौन है वो राक्षस जिसने तेरे सर से बाप का साया छीनकर तुझे बेसहारा कर दिया था, और जिसके झूठे इल्जाम में तेरी माँ ने 14 साल जेल की सलाखों के पीछे काटे। आज मैं अपनी कसम तोड़ती हूँ, उठ, मैं कहती हूँ उठ। और गौर से देख, यही है वो राक्षस ब्रिजभूषण, तेरे बाप का कातिल। उठ राजू, उठ। आज उस खून के एक एक कतरे का हिसाब ले ले बेटा, तुझे मेरे दूध की कसम। Ah! 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 Ah
राधा तू आ गया राजू। हाँ राधा तू आ गया। राधा ये तूने क्या किया, राजा के प्यार में इतनी बड़ी कुर्बानी। हाँ राजू आज ठीक करी। प्रिया राजू राधा